सुबह सुबह बारिश में हो गया है वॉलीबॉल का मैच. मैच तो नहीं कहूँगा मैं, टूर्नामेंट चालू हो गया है. दीज गाइज आर कमिंग एवरी डे टू प्ले वॉलीबॉल, चाहे बारिश हो रही है नहीं हो रही है, बट दे डू कम एवरी डे. हम भी जब छोटे थे, जब बचपन में, हम भी ऐसे जोश में रहते थे और खूब खेला करते थे. गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द चैनल. माय नेम इज कमलजीत राणा. अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग. अगर आप लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच. अभी भी उठे हम लोग, चाय वाय पी चुके. मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो रखा है. वो होता है ना एमईटी डिपार्टमेंट, जो वेदर डिपार्टमेंट होता है, उन्होंने कहा है कि 2 दिन तक अब मुंबई और इन अराउंड एरियाज में बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है. सो प्लीज बी केयरफुल. दिस क्वाइट एविडेंट कि बारिश हो रही है और चलती रहेगी मुझे लग रहा है अब 2 दिन तक. जो तू नाश्ते में क्या बन रहा है आज? जो तू बनाओगे? मैं बनाऊंगा. मेरा काम है साफ सफाई करना, वो मैं कर चुका हूँ. अभी नाश्ता मेरा रिस्पांसिबिलिटी नहीं है. बताओ क्या बनाओगी? मैं अभी सोच रही हूँ, पहले वो करवा रही हूँ, सफाई करवा. ठीक है, मैं तब तक जाता हूँ, मैडम को वॉक करा के आता हूँ. बाय बाय. मिष्टू आ जाओ, वापस आ जाओ, इधर आ जाओ, कम बैक. बड़े स्वाद ले रहा है प्रखर चाचू के पास बैठ के, बड़े स्वाद ले रहा है मेरा बेटा. फाइनली कॉल यू आज, कुछ ही कर लिए तू. कुछ नाराज है भाई? नाराज है, पक्का नाराज. तू तो रहने दे. व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, कॉफी? ये भाई चाहती है कि कोई भी कोई किसी से बात ना करे, सब मुझसे बात करे. मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉफी? यस. चलो आज आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मैं कॉफी बनाता हूँ मैंने प्रखर से सीखी है. प्रखर जो है आज कॉफी बना रहा है. ये देख लो भाई, क्या बात. प्रखर थैंक यू फॉर टीचिंग मी दिस कॉफी ब्रो. ब्राउन शुगर लेगा? हाँ ब्राउन शुगर चलेगा. Indebted to, इसकी क्या होता है वर्ड, मैं फॉरएवर तुम्हारा कर्जदार रहूंगा इस मामले में, कॉफी सिखाने के मामले में स्पेशली. तू भी सीख ले, बना ली. पराए घर जाएगी फिर क्या करेगी वहां पे? भाग जाती है बस. काम बोलो इस लड़की को, भाग जाती है. तकिया उठा के पता नहीं क्या, एक तो ऐसा लगता है लेपर्ड कोई अपना शिकार उठा के पेड़ पे चढ़ रहा हो. चल बैठ जा. सो ये जो कॉफी है जो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखी हुई थी, मैं बनाता है. बहुत लोग यूज बनाते हैं वैसे तरीके की कॉफी से, बहुत लोगों को पसंद है फेट के बनाना. और अच्छा, और कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा था कि ये लोग क्या करते हैं, ये अपना काफी सारा बना के फेट के रख लेते हैं और फिर उसको यूज करते रहते हैं. जब मैं बैंगलोर में था, मैंने ब्लॉग इतना किया नहीं वहाँ पे अभिषेक के पास, तो उनके पास सनफीस्ट का पूरा जार था ऐसे पेस्ट का. हाँ, उसमें वो वाली बात नहीं थी. वो रेडीमेड जो रहता ना वो वैसा नहीं था. हाँ, उसमें वो वाली बात नहीं थी, वो ऐसे ही सा था. मतलब वो बहुत मीठा था और और उनको तो वो बहुत ही मीठा लगा, मुझे वो बिल्कुल मीठा नहीं लगा. ये दिक्कत हो रही थी. गाइस वैसे मैं आप लोगों को एक हेल्थ अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है ना, पिछले 1-2 महीने से 1-1.5 महीने से मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ. उसका कारण ये है कि मेरे को ना चेस्ट में राइट साइड में अजीब सा कुछ पेन हो रहा था. अब वो वैक्सीन की वजह से है या किस चीज की वजह से है मुझे नहीं पता, क्या था क्या नहीं था. तो अभी पिछले 5 दिन से मैं एक दवाई ले रहा था जिसका नाम है मायोसपास, एंड नाउ टुडे इज द 6th डे. तो मुझे भी दर्द फील नहीं हो रहा है और आज मेरी मेडिसिन रुक गई. तो अगर आज जो है मेरे को पेन नहीं होता है, मैं आज से अपना वर्कआउट दोबारा शुरू करूंगा. ट्रस्ट मी गाइस, मैं बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रहा था बिकॉज मुझे पेन ही हो रहा था यार. वो पेन ऐसा था कि डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया था कुछ भी वेट्स उठाने के लिए. बट आज से मैं शुरू करूंगा धीरे धीरे स्लोली वर्कआउट करना, बिकॉज आई रियली डोंट लाइक माई सेल्फ इफ आई एम नॉट वर्किंग आउट. मुझे बहुत अजीब सा लगता है. शेफ कुछ कह रहे हैं, ब्राउन शुगर का क्या होता है? ब्राउन शुगर के साथ जो ये बैटर रहता है वो वैसा नहीं बन पाता जैसा चीनी के साथ बनता है. जैसा वो बैटर बनता है उसमें, पर मुझे ब्राउन शुगर के साथ ज्यादा अच्छी लगती है. अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा आ जाता है. बट अगेन इफ यू सी दिस, मतलब ये वो थोड़ा सा और डार्क है कलर का, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है. वो व्हाइट शुगर की वजह से होता है. करेक्ट करेक्ट. क्या चाहिए बेटा? ओ बेटा, ओ मिस्टर, जाओ बाहर जाओ. भाई आज भी मैं क्या मस्त हुआ हूँ, क्या मस्त नींद आई है मेरे को भाई. तो बहुत लेट सोया है, मेरे को भयंकर नींद आई है. मतलब बहुत टाइम बाद 2 दिन से ऐसा हो रहा है, मैं इतनी अच्छी नींद सो रहा हूँ तुझे बता नहीं सकता यार. मैं लेट सोया हूँ, बस इसने सुबह उठा दिया के. ये तो भाई, ये तो मिस्टी तो सबको उठा देती है, मुझे भी उठा देती है. सोने नहीं देती, कह रही सुबह उठो, हमारी सेहत का बहुत ध्यान रखती है, टाइम से उठो, टाइम से नाश्ता वाश्ता करो, घर के काम वाम करो, है ना मिस्टी बेटा? मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मेरे बच्ची को खाना है. ये बच्ची को खाना है. मेरा सोना बाबू, मेरा सोना बाबू, गोपुरों पे तो इतना सुंदर लगता है तू गोपुरों पे. एंड कॉफी इज रेडी, लुक्स रियली यम यार. आओ इसका सेवन करें बाहर बैठ के. यस, हटो भी, जगा दो मिष्टी, हट जाओ. तू जा, ज्यादा मेरे आइटम को परेशान मत किया कर, बता रहा हूँ मैं मिष्टी. चीज गाइस, वाह प्रखर, व्हाट अ कॉफी ब्रो. थैंक यू ब्रो. मैं भी बना लेता हूँ, लेकिन दूसरे के हाथ से बना के जो पीने का मजा है ना भाई, मानते कि नहीं मानते ये बात. होता नहीं कभी कभी ऐसा कि आपको पता है कि आप बना सकते हो टेस्टी, आप बना रहे हो टेस्टी, लेकिन जब कोई दूसरा बना के देता ना तो साला अलग ही स्वाद लगता है भाई. बट ऐसा भी है कई बार कि अच्छा नहीं भी लगता तब भी बोलता हूँ. मैं बोल देता हूँ कि नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं अच्छी लगेगी, दोस्तों को तो बोल ही देता हूँ, खैर बीवी को नहीं बोल सकते बात. अब हम कॉफी पी के यहाँ से निकलेंगे, बहुत 2-3 काम है वो निपटा के आने. इस्टा ये आधा दूरा क्यों लटका है तू? क्यों लटका है तू? क्यों लटका है मेरा बाबा? मेरा बाबा क्यों लटका है ऐसे? चल आजा बाहर. कम आउट. गुड गर्ल. ये जो गाना सुना होगा ना आपने, एक बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा, भगवान ने आज उस गाने को बहुत सीरियसली ले रहा है. इंटरेस्ट में गाइस, सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही है, रुकी नहीं रही है.
हम लोगों को बाहर जाना था किसी इम्पोर्टेंट काम से, वो काम कर कर आए हैं अभी। फुल रस्ते बारिश हुई, वहाँ पे थे तब भी बारिश हुई, अब भी बारिश हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है भगवान चाहता है कि हम लोग चाय पकौड़े बना ही लें आज शाम में। वेट कर रहे हैं, मैंने आज वो शर्ट पहनी हुई जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी ना, बाहर गए थे ना किसी अच्छे काम से बाहर गए थे, मतलब ऑफिशियल टाइप काम से, तो इसलिए ये शर्ट पहनी हुई थी। किस काम से बाहर गए थे वो आपको बाद में पता लगेगा। वी आर आउट नाउ, आज बहुत सारे काम गए, बहुत सारी भागा दौड़ी होने वाली है आज। अभी आपने देखा ना एक काम निपटा के हम लोग आए, सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह किसी चीज़ के लिए करके आए जब मैं शर्ट वर्ट पहना हुआ था। अब हम जा रहे हैं, मुझे जो मेरे गिव अवे के विनर्स हैं ना, जिन्होंने भी गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था, वो लोग जो जीते थे उनको कुरियर करना है उनका प्राइज। तो एक बार तेरे को टेलर वहाँ मिलेगा राइट पे, मैं जा रहा हूँ यहाँ ऊपर स्टेशनरी पे, यहाँ पे वो है कुरियर वाला। तू तेरा काम खत्म हो जाए पहले तो मुझे कॉल कर दियो, मेरा काम खत्म हो जाए तो तुझे कॉल कर दूंगा, या तो ऊपर मिलेंगे या नीचे गाड़ी पे मिलेंगे, दे दे मेरे को सामान। मैं बोल रहा हूँ कि एक बार वो भी पता कर ले जो मैंने तुझे बोला था, और भी कुरियर का जो रहेगा। दिखाओ तो आपके पास कौन सा कवर है। हाँ हाँ ठीक है, आप भेज दो ना, लेकिन कुरियर भीगेगा तो नहीं ना ये। Already then, finally, courier का काम डन, अब वापस चलते हैं दूसरे काम के लिए। मुझे हेयर कट के लिए आना है, फ्री है, फ्री है अभी या बाद में आऊँ, तो शाम को कोई अपॉइंटमेंट है, मैं आता हूँ फिर। सुबह हाँ भाई, हैंड अप हैंड अप हैंड अप, बंद करो भाई, शूटिंग बंद करो, शूटिंग बंद करो। अगर हाँ भाई, परमिशन कहाँ आपके पास, परमिशन किधर है, बंद करो बंद करो शूटिंग बंद करो। किसके लिए, क्यों, अरे तू एकदम मस्त पीली पीली बनी हुई है आज। नहीं नहीं कुछ भी नहीं बताया मैंने अभी तक, सामान आगे, भूख लग रही है, खाना वाना डाल लो। तुम्हारा काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ, शूटिंग एक वीडियो हो गई है, अब जो मेन वीडियो जो मुझे आज शूट करनी थी वो अब होगी। सो ये मेरे शूज रेडी हैं, मेरी चप्पल में पहन के जा रहा हूँ, पानी की बॉटल, हेडफोन्स, और ये मैं बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ वर्कआउट करने के लिए। जाने से पहले थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खा के निकलता हूँ। After like 1.5 months, I'm back to workout. I don't like myself fat. वो तो मेरी हाइट लंबी है तो मुझे को पता नहीं लगता है। I had gained a little fat on my tummy. We'll start from scratch. एकदम जीरो से हम शुरू करेंगे, starting with walk, stretching, again very light weights. मतलब इतना light weight कि मतलब beginner से भी गंदा weight उठाने वाला हूँ मैं, ये लगा लूँगा। And that's our sir, हमारे gym के trainer हैं। Hi sir. So we'll go start now. पहले stretching कर लूँ ना? Yes. हाँ, पहले stretching करूँगा फिर walk करूँगा। मुझे एक घंटा वेट करा के ये बंदा अब आया जिम में। जो बता मैं कितनी देर से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं 30 मिनट्स ट्रेडमिल किया मैंने, वो किया उसके बाद मेरी वेट ट्रेनिंग चालू होगी। मैं तूने 5 बजे का टाइम दिया था, तू सो क्यों रहा था? अगर तूने 5 बजे का टाइम दिया था, अच्छी बात है कि तू आर्मी में नहीं है। मैं अगर तेरा सीनियर ऑफिसर होता था तो बम्स में लात मार के उठाता मैं तेरे को। जब पहुँच जाएगा तू क्या कर रहा है, क्या शोल्डर तो आर्म्स, I'm also doing arms, but doing with very 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 less weights because as you know that I've been coming after a very long time. Finally, I'm done with the workout. Last में मैंने 3 सेट किए हैं 10-10 के स्क्वाट्स के। इंटरेस्ट में गई ऐसे ऐसे कड़कड़ा रही हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब चला नहीं जा रहा, इतना पेन हो रहा है मेरे को। मतलब ये लगा लो पहले 2 सेट तो आसानी से हो गए 10-10 के, लेकिन जब तीसरा मारा था ना तो ऐसे टांगे कप कपाने लगी और मैं बैठी गई। मेरा डन हो गया। तो अभी बहुत तगड़ा एक कॉमेडी सीन हुआ। तो ज्योति की आदत है, ज्योति जब भी कोई मूवी वगैरह देखती है ना, कोई मेरे साथ बहुत मूवीज देखते हैं हम लोग, तो ज्योति को एक्चुअली याद नहीं रहता कि उसने ये मूवी को देखी है या नहीं देखी। तो अभी एक मूवी हमने शुरू की जिसका नाम है हॉरिबल बॉसेस पार्ट 2। प्रखर भी महान है और ज्योति तो अलग महान है। प्रखर पार्ट 2 देख रहा है और एंजॉय कर रहा है, पार्ट 1 का उसको इल्म भी नहीं है कि पार्ट 1 में क्या हुआ था। अब ज्योति मेरे साथ बैठ के पिक्चर देख चुकी है पूरी। ठीक, तो मैंने स्टार्ट करी फिल्म तो मुझे लगा शायद इसको अब याद आएगा। 5 मिनट की फिल्म होगी, कह रही बड़ी अच्छी फिल्म है, बड़ा मजा आ रहा है मुझे देखने में। मैंने क्या पता चल 5 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद इसको फिर से थोड़ा देखेगी तो शायद इसको मेमोरी में आ जाएगा कि इसने ये फिल्म देखी हुई है। 10 मिनट की फिल्म होगी, फिर कह रही क्या फिल्म है यार, मुझे तो बड़ा मजा आया देखने में, बड़ा कॉमेडी है। इस लड़की को ये याद ही नहीं है कि ये फिल्म ये देख चुकी है। नहीं देखी है बाबू, हॉरिबल बॉसेस। 13 मिनट हो गए फिल्म स्टार्ट किए हुए, तो पता चल जाता ना। लेकिन मैंने स्टार्टिंग हुई थी जब फिल्म किया था, मैंने कहा था ये बंदा नहीं देखा। अभी आया यार,
ये हो सकता है किसी फिल्म में देखा हो। जब फिल्म स्टार्ट हुई तुमने बोला ये बंदा मेरे को देखो लग रहा है। इस व्लॉग के लिए इतना ही, हम आपसे मिलेंगे। लड्डू चोर, तो इस व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में, तब तक आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। अभी नहीं, मैंने भी बताया किसी को इसमें, बस तो बताया मैंने भी नहीं है, लेकिन मुंह मीठा करा दो, बताया। चलो ठीक है भाई, मुंह मीठा कर लो सब, मोती चूर के लड्डू चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं वो आपको बाद में पता लगेगा। ठीक है, बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।